नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमने अब तक बहुत सारे पहनने वाले सूट के बारे में सुना होगा, इनफैक्ट बहुत लोगों ने पहना भी होगा, लेकिन इन सब सूट के लिस्ट में सबसे अलग है अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, उनका सूट। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉट का सूट कैसे बना होता है और वह कैसे काम करता है। इस सूट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई पार्ट मिस ना हो जाए। हमने अब तक अमेरिकन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, इनके अलावा भी दूसरे स्पेस एजेंसीज के नाम सुने होंगे। इनका मुख्य काम अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी दुनिया को दिलाना है और अंतरिक्ष के लिए नए इन्वेंशन करना है। ऐसे में अगर अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजने की बात की जाए तो उसे सादे टी शर्ट में नहीं भेजते और नहीं दूसरे किसी अन्य कपड़े में भेजते। इसके लिए बना होता है एस्ट्रोनॉट सूट, जो इन्हें पहनाया जाता है ताकि इनको अंतरिक्ष में सुरक्षा मिले। आखिर यह एस्ट्रोनॉट सूट क्या है, ये कैसे काम करता है, स्पेस में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब हम अंतरिक्ष से जुड़ी मूवीज या वीडियोज देखते हैं तो उसमें हमें अंतरिक्ष यात्री सफेद रंग के पोशाक में दिखता है। इसी पोशाक को एस्ट्रोनॉट सूट या फिर स्पेस सूट कहते हैं। स्पेस सूट कई कपड़ों के लेयर से बना हुआ एक ऐसा सूट होता है जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अंतरिक्ष में मौजूद धूल, कचरा, पार्टिकल और सूर्य की घातक किरणों से एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा करता है। स्पेस में बिना सुरक्षा कवच के रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्पेस में ना तो ग्रेविटी है और ना ही ऑक्सीजन, जिस कारण बिना सुरक्षा कवच के यहाँ रह पाना बिल्कुल मुश्किल है। और यहाँ का तापमान अगर सूर्य तुम्हारे सामने है तो 120 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो सकता है, और यदि आप छाया में हैं तो तापमान तुरंत गिरकर 0 से -100 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाता है। इस कारण ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर के अंदर उपस्थित द्रव उबलने लगते हैं, और अगर हम स्पेस में 15 सेकंड भी बिना स्पेस सूट के रहे तो हमारा शरीर पहले तो एक फूलेगा फिर एकदम से फटेगा। स्पेस में इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए स्पेस सूट का निर्माण किया गया है। स्पेस सूट स्पेस में एस्ट्रोनॉट को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करता है और स्पेस सूट के अंदर ही ऑक्सीजन, एसी, कंप्यूटर और टॉयलेट जैसी सुविधा होती है। स्पेस सूट के अंदर एक बैकपैक होता है जिसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, और इसी से एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस सूट के अंदर ही गैस, एसी, कंप्यूटर, द्रव पदार्थ को रिचार्ज और डिस्चार्ज करने की व्यवस्था होती है। स्पेस सूट पहनने के बाद हमारे शरीर का तापमान और बाहरी वातावरण से हमारे शरीर पर पड़ने वाला दबाव नियंत्रित रहता है। जब हम स्पेस सूट को पहनते हैं तो स्पेस सूट को पहनने से पहले एक इनर लेयर पहनते हैं। ये इनर लेयर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इस इनर लेयर के बाद स्पेस सूट को पहना जाता है, जो कि बाहरी वातावरण से पड़ने वाले दबाव को मेंटेन करता है। स्पेस में डस्ट के कण हमारी बॉडी पर एक बुलेट की तरह अटैक करते हैं। हेलमेट हमें इन्हीं अटैक से बचाता है और स्पेस सूट हमें सूर्य या अन्य ग्रह से निकलने वाली खतरनाक किरणों से बचाता है। इस स्पेस सूट के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक प्रेशर गारमेंट और दूसरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम। प्रेशर गारमेंट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए ऑक्सीजन, कंप्यूटर, एसी जैसी व्यवस्था करता है। इस प्रेशर गारमेंट के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कूलिंग गारमेंट, लोअर टोर्सो, अपर टोर्सो, हेलमेट, ग्लव्स। अब स्पेस सूट के कुछ भाग को डिटेल में समझते हैं। पहला है कूलिंग गारमेंट। कूलिंग गारमेंट हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, जिसको इनर लेयर भी कहा जाता है। इस टाइट फिट इनर लेयर में लगभग 300 फीट लंबी प्लास्टिक ट्यूब होती है, जिसमें ठंडा पानी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक घूमता रहता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और स्पेस वॉल के दौरान हमारे शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने का काम कूलिंग गारमेंट का है। दूसरा पार्ट है हार्ड अपर टोर्सो। हार्ड अपर टोर्सो एक स्लीवलेस शर्ट की तरह होता है, जो आराम असेंबली से जुड़ा होता है और ये बहुत लाइट वेट होता है। ये एस्ट्रोनॉट के चेस्ट एंड बैक दोनों को कवर करता है। तीसरा पार्ट है ग्लव्स। हम अपने बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारे बॉडी में उंगली एक ऐसा पार्ट है जो सर्दी में बहुत जल्दी ठंड होती है। ऐसी परिस्थिति में स्पेस सूट ग्लव्स एस्ट्रोनॉट को बाहरी वातावरण से बचाते हैं। इन ग्लव्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को इसे पहनने के बाद किसी भी चीज को पकड़ने या उठाने में कोई प्रॉब्लम न हो। चौथा पार्ट है लोअर टोर्सो। ये सूट का निचला हिस्सा होता है, जो पैंट, शूज और कमर के निचले आधे हिस्से से बना होता है। इसमें एक मेटल बॉडी सिल्क क्लोजर होता है जो लोअर टोर्सो को हार्ड अपर टोर्सो से जोड़ता है। इसमें एक वेस्ट बियरिंग होता है जो एस्ट्रोनॉट को मुड़ने और घूमने में मदद करता है। अगला पार्ट होता है लेयर्स का। सूट का जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है वो 16 लेयर से बना होता है और इन लेयर का अपना अपना अलग कार्य होता है। पृथ्वी से ऑक्सीजन ले जाने से लेकर अंतरिक्ष में धूल के कणों से बचने के लिए इन लेयर का अपना अपना एक मुख्य काम होता है। कूलिंग गारमेंट हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने का काम करता है, जो 3 लेयर से बना होता है। इसके बाद फिर इसमें एक ब्लेडर लेयर होती है, जो हमारे शरीर के ऊपर पड़ने वाले दबाव को मेंटेन करती है। और आगे की 5 लेयर माइलर मटेरियल की होती है, जो टेम्परेचर मेंटेन करती है। अगली लेयर अंतरिक्ष यात्री के चारों ओर ब्लेडर लेयर को सही आकार में रखती है। फिर एक टीयर रेजिस्टेंस लेयर होती है, जिसको रिपस्टॉप लाइनर भी कहते हैं। आगे कुछ लेयर होती है जो इंसुलेशन का काम करती है और सूट के अंदर के टेम्परेचर को बनाए रखती है। इनके अलावा इसमें एक वाटर प्रूफ लेयर, फायर प्रूफ लेयर और बुलेट प्रूफ लेयर होती है।
अगला पार्ट है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। स्पेस सूट का मुख्य पार्ट होता है बैकपैक, जिसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। यह सूट के पीछे की तरफ लगा होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर दो सिलेंडर, बैटरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल फिल्टर, एयर कंडीशनर, कूलिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है। और इन सभी का कंट्रोल सिस्टम एस्ट्रोनॉट की चेस्ट पर लगे कंट्रोल मॉड्यूल में होता है। सातवां पार्ट होता है कम्युनिकेशन कैरियर असेंबली। जब एस्ट्रोनॉट हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट पहनने से पहले एक कम्युनिकेशन कैप पहनते हैं। इस कैप में ईयरफोन एंड माइक्रोफोन लगे रहते हैं जो कम्युनिकेशन करने में काम आते हैं। अगला पार्ट होता है हेलमेट। हेलमेट मजबूत प्लास्टिक से बना हुआ होता है। इसमें एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है जो अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस हेलमेट के आगे की तरफ दो शीशे लगे होते हैं। अंदर वाला शीशा ऑक्सीजन को रोकने का काम करता है और बाहर वाला शीशा जिस पर गोल्ड प्लेटेड लेयर चढ़ी होती है अंतरिक्ष में सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट की कलाई पर एक रिस्ट मिरर लगा होता है जिससे एस्ट्रोनॉट अपने चेस्ट पर लगे कंट्रोल मॉड्यूल पर लिखे उल्टे शब्दों को पढ़ पाते हैं। तो यह थी स्पेस सूट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा और फायदेमंद लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।